अपना प्ले करने, ये देखो जैसे ही इसके फेस पे कैमरा जाया जाता है ना, ये एकदम इनोसेंट बन के बैठ। तो ये आज हमारे साथ में, ये देखो ये इसकी बॉ हाँ मैगी, ये देखो ये देखो बैठ गई, तुम तो लेके डांटना है चाहिए आप देख चुके हैं छोटी मैडम। हाँ इतना टेस्टी हमारे दीदा जो मैं हाँ तो मुझे जब सारा काम मम्मी कर ही लेती है तो पेपर देने क्यों नहीं गए, जिसकी वजह से तुम्हारे मसाले के कम पड़ रहे हैं, क्या खुशबू आ रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का दिन है और बज चुके हैं सुबह के 6:35 और मैं ले चुकी हूँ अपना हॉट वाटर और आपको मैं ये देखो ये इसको फेंको पहले आप मैगी से भी मिलवा देती हूँ। ये देखो सुबह सुबह से ये लगी हुई है अपना प्ले करने, ये देखो जैसे ही इसके फेस पे कैमरा जाया जाता है ना, ये एकदम इनोसेंट बन के बैठ जाती है। अभी देख इसके मुँह में कपड़े वपड़े जितना भी सब कुछ था घर का वो सारा पड़ा हुआ था। आज थोड़ी सी बैक में प्रॉब्लम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे हो गई है कि उठते बैठते कुछ तो हो गया है लेफ़्ट साइड में कि वो लेफ़्ट वाला जो पोर्शन है वो मूव ही नहीं कर रहा है और वो एकदम से एकदम सॉलिड तरीके से उसमें कहते हैं ना वो झटका टाइप्स आ गया है वैसा आ गया है एंड आई एम नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली। तो ऐसा है अभी हम लोग अपना हॉट वाटर ले रहे हैं और उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी लगानी है वॉशिंग मशीन क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं और आज वेडनेसडे है तो जल्दी जल्दी से कपड़ों का काम भी ख़त्म करना है और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी। तो फ्रेंड्स एज ऑलवेज जो भी दीवार आ गई है और मैगी उसके बगल में, मैगी और की जगह नहीं है घर में, ये देखो फ्रेंड्स। तो ये आ चुका है हमारा मिक्स वेजिटेबल जूस, ये दिखने में सिर्फ रेड है क्योंकि इसमें बीटरूट डला हुआ है चुकंदर, बट इसमें नीम करेला सब कुछ डला हुआ है। ऐसा है फ्रेंड्स, बहुत ही भयंकर बनाते हैं ये वाला जूस, मतलब करेला तो मैं स्पेशली बोल के डलवाती हूँ। ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए बट थोड़ा बोलना शुरू किया था बंदे ने, इतना ज़्यादा डालना शुरू कर दिया कि मैं क्या बताऊँ सीरियसली। और ये बैठी है हमारी मैगी मैडम हमारे साथ में, ये देख लो ये इसकी बॉल थी, इसको बॉल दी गई थी, उसका हाल देख लो क्या हो चुका है, ये देख लो। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है, मतलब काम के बाकी है, अभी तो दिन शुरू ही हुआ है। तो अभी 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 अभी, अभी मुझे जल्दी से सुबह जो कपड़े धोए थे उसको जल्दी से सुखाने जाना है और हमारे पास बचे हैं सिर्फ 5 से 7 मिनट, मार्केट ओपन होने वाली है, मतलब स्टॉक मार्केट नॉट कपड़ों की मार्केट, मार्केट ओपन होने वाली है, उससे पहले मुझे सारा काम करके बैठना है। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में बस। हाय फ्रेंड्स, और अभी हो चुकी है दोपहर और हम लोग हो चुके हैं बहुत लेट बाहर, एक मीटिंग के लिए आए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग उस मीटिंग में क्योंकि मेरे को तो ऐसे लग रहा है पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम जब कहीं बाहर निकलते हैं हम लोग ट्रैफिक में ही फंस जाते हैं, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, क्योंकि दिल्ली में हर जगह मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हम कहीं निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसा है, आप लोग भी निकलने से पहले मैप्स वगैरह चेक कर लिया करो, गलत टर्न मिलवा दिया, 1 घंटे और वेस्ट करा दिया आपने, अभी तक हम कहीं पहुंचे ही नहीं है। तो यार मैंने तो कुछ अच्छा ही सोच के कराया था, मेरे भी तो घर में मासी मेरी वेट कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी पहुंचा, मुझे थोड़ा ना पता था जल्दी के चक्कर में मेरा बैंड ही बच जाएगा ऐसा। हाँ मैगी, ये देखो ये देखो इसके मुंह में ये जो टॉय है, देखो क्या किया इसने, किसने, मैगी ने, ये देखो ये क्या किया मैगी ने। अब आज तो तुम्हें डांटना पड़ेगा मैगी को, ये अरे डांटना है अभी भी डांट नहीं पा रही हो तुम उसको, अरे बैठ गई तुम तो लेके डांटना है चाहिए, अरे अरे और चाहिए क्या होता है, वो आगे देखो तुमसे डरती नहीं है बिल्कुल भी, वो लो देखो नो मैगी मार दिया, तुम डांट ही नहीं रही हो उसको,
पैर से नहीं। अरे डांटो मुंह। हाँ तुम तो कुछ छोड़ो पहले। हाँ ऐसे कम ऑन नो मैगे। हाँ ऐसे अब समझ में आया उसको कि तुम डांट रही हो। पहले पूछो किसने खाया। पूछो पूछो वो रोई उठ रहा उसकी। देखो उसने क्या किया। पूछो इससे क्या किया। तो हटा ले पहले। छुपा रही है। हाँ छुपा रही है वो। चलो बस इतने हाँ इतने ही पूछो। डांटा ही नहीं जा रहा तुमको उसको। वो छुड़वा लेना पहले। डांटो उसको। छोड़ो उसको छोड़ो। लो उसने तुम्हारे सामने को फाड़ा। ये किसने फाड़ा। ये किसने मारो मत। किसने फाड़ा ये। तेरी हाथ नीचे कर। हाथ नीचे कर आशु। तेरी हाथ नीचे कर। किसने फाड़ा ये। किसने फाड़ा ये। सहम गई वो। सहम गई एकदम। हाँ सहम गई बच्ची। सहम गई तुम्हारी प्यारी बच्ची। किसने फाड़ा ये बताओ। मैं की किसने फाड़ा ये। हाँ हाथ पकड़िए। किसने फाड़ा है ये। सॉरी बोल। सॉरी बोल। सॉरी बोल। सॉरी बोल। सॉरी बोल मैगी। हाथ पकड़ के। सॉरी बोल। काल के दूंगी जल्दी। नहीं 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 अशुभ दिन। सॉरी बोल। मुंह नहीं फाड़ना है। सॉरी बोलना है। वो वैसे ही बोल। वो देखो ये सॉरी बोल रही है। किसने फाड़ा है। किसने फाड़ा है ये। अरे नीचे रख दो फिर बात करो। तुम तो प्यार कर रही हो उसको। अरे नहीं नहीं भड़काओ मत। चुप नो जवाब कैसे दे रही उल्टा ये। आशी को कहाँ देती है जवाब। स्कूल से जैसे कि आप देख सकते हैं। और बता दो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पक्का माकी का नाम नहीं बताओ। मैं तो पूछने वाली थी। नहीं अब मैं बताऊंगी। आपने हाँ बोल दिया। हम लोग जा रहे हैं रजौरी गार्डन। क्यों किस लिए। मेरा बर्थडे। बताओ कि तुम्हारा टाइकोंडो की क्लास का क्या हुआ यार। वो मैंने आज मुझे जाने का नहीं था। अच्छा जी। ये देखो लो आप टाइम 3:42 और हम लोग जा रहे हैं रजौरी गार्डन क्योंकि दिसंबर हो गया और 22 को मेरा बर्थडे है। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। अगर नहीं पता है तो अभी सुन लो। और मेरे बर्थडे से पहले भी और बर्थडे के बाद भी एग्ज़ाम ही है। और मेरा एग्ज़ाम 23 को ख़त्म होंगे। और 23 को मेरा लास्ट पेपर है। मतलब ये वाले फाइनल पेपर नहीं है। हाँ, ये थर्ड टर्म है। ये थर्ड टर्म है। फोर्थ टर्म में शायद से फाइनल होएगा फोर्थ टर्म में। और जैसे कि फ्राइडे को मेरा है जीके का एग्ज़ाम। और अभी तक मैंने कुछ भी याद करना शुरू नहीं किया। और हमने कल भी नहीं किया था कुछ भी याद। आज भी नहीं करे। और अभी हम लोग मैं बता दी कि हम लोग रजौरी गार्डन क्यों जा रहे हैं। तो दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है 22 को। और इसलिए आपको पता ही चल गया होगा लेकिन मैं और बता देती हूँ। हम लोग रजौरी गार्डन मेरे बर्थडे के बर्थडे ड्रेस लेने जा रहे हैं जो कि मेरे पसंद से आएगी माई चॉइस। और मम्मी अभी यहाँ पर ड्राइविंग कर रही है। कितने ड्रेसेस आप देख चुके हैं सिटी मैडम। हाँ फ्रेंड्स बहुत सारी ड्रेसेस सुविधि देख चुकी है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसको। बस लगी है। कुछ और देख लेते हैं। कुछ और देख लेते हैं। हाँ
है, किस लिए? क्या तुम तो सेलेटोस की दीवानी हो ना? सेलेटोस ना आजकल मेरा साइज है। ओहो, सेलेटोस में तुमको जो चाहिए था वही नहीं था ना, वो लंबे लंबे से बूट्स है ना। आगे देखो, बहुत तेज भूख लग रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा तेज भूख लग रही है। और क्या चाहिए हमें? कुछ खाने को चाहिए, तो अभी हम लोग बस घर पहुँच ही गए हैं। और ये ऑर्डर फॉर दी पिज़्ज़ा, एक वेज पिज़्ज़ा, वेजिटेबल वेजी टाइप्स पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर किया, बस उसका वेट कर रहे हैं। बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज भूख लग रही है, बैटरी डाउन है हमारी, और अभी बहुत सारी स्टडीज़ भी करनी है घर जाके, है ना सुवेदी? हमारी आवाज़ से आप पता लगा सकते हो हमारी बैटरी कितनी डाउन हो गई है, है ना? फ्रेंड्स, इतना टेस्टी था ना ये पिज़्ज़ा कि मैं आपको क्या बताऊँ, सीरियसली एक नंबर। मतलब वो तो सुवेदी को भूख लगी है तो मुझे छोड़नी पड़ गई, बट इतना क्रंची है, इतना ज़बरदस्त है, उसकी फ्लेवर्स इतने ज़बरदस्त है। और जस्ट इट्स नॉट डोमिनोज, इट्स नॉट पिज़्ज़ा, इट्स जस्ट अ रोड साइड पिज़्ज़ा। क्यों मम्मी, आप उसको याद नहीं दिला सकती? उसका पेपर है, उसको पढ़ना है। हाँ, कोई काम नहीं करती यार, आप पेपर देने क्यों नहीं जाती उसका? गलती हो गई मेरे से, वही पेपर क्यों पेपर देने नहीं गई उसका? गलती जब सारा काम करती हो तो पेपर देने भी क्यों नहीं गई? गलती हो गई, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़ के पेपर देने क्यों नहीं गई मम्मी तुम्हारा? पेपर नहीं, हाँ सुमी जी, जब सारा काम मम्मी कर ही लेती है तो पेपर देने क्यों नहीं गई, जिसकी वजह से तुम्हारे नंबर कम आ गए? बोलो ना, चुप क्या रहे हो, उसमें बताओ ना तुम, मम्मी क्या करती है ऐसा, क्यों करती है मम्मी ऐसा? अरे तुम्हारा फेवरेट खेल शुरू हो गया भाई, हैं? अरे मर जाएंगे वो, कोई बात नहीं, बहुत है, हजारों घुसे हैं, एक आध हफ्ते तक मारती रहोगे, इतने घुस गए। सब आज करेंगे, मुझे इनके मरने की, मरने की आवाज बहुत अच्छी लगती है। ये उड़ रहा है, ये ज्यादा फील मत करो, मारो, वो किसी काम की नहीं है, एक मच्छर नहीं खा जाता उसे कि खा ले। भैया उड़ गया वहां से, उड़ गया, हेलो तो मम्मी क्लास मैगी, पापा कहाँ गए बेटा? हाँ पापा कहाँ? मैगी पापा कहाँ? खाना कहाँ? अचानक से भूख लगी मैगी को, हाँ अचानक से भूख लगी मैगी को, हाँ चलो पापा का कर रहे हैं, देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम कम, चलो 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 चलो, मैगी ये देखो ये देखो। अब तुम इतनी चालू मत बनो कि तुम मेरे बिना जाओगी नहीं ना, क्या कर रही मैगी पापा? ये बन रहे हैं गाइस मैगी के स्क्रम्बल्ड एग, और मैगी को आ गई है स्मेल, मैगी स्क्रम्बल्ड एग स्मेल, वो वहीं से स्मेल ले रही है। किचन में आना मना है, हम आपको बता दें किचन में मैगी का आना मना है बिल्कुल, वो स्ट्रिक्टली आती नहीं है, लेकिन अभी वो अपने पाप को रोक नहीं पा रही इसीलिए वो वहीं खड़े होके देख रही कब बनेंगे कब मिलेंगे। ऑयल बिना मसाले के स्क्रम्बल्ड एग, और क्या खुशबू आ रही है, वो खुशबू है ना मैगी, खुशबू आ रही है, वो भी यही कह रही है, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये वाला करना, इसको डाल दो। आपको याद है जब ये गर्म होता था बचपन में कैसे चिल्लाती थी मुंह पर चिपकता था, कैसे चिल्लाती, गर्म है ये, गर्म है ये, ठंडा करो इसको। को ऐसे मिक्स करना होता है, नहीं तो ये सिर्फ अंडे अंडे खाना नहीं खाती है, फिर ये सिर्फ अंडे खा के तृप्त होके करके पड़ जाएगी। जाओ मैगी जाओ, गो चल। तो फ्रेंड्स खाना वाना हो चुका है, आज थोड़ा चटपटा दिन रहा, और सुविधि की क्लास भी थी, और उसने अपनी क्लास भी अच्छे से ले ली। सुविधि सुविधि ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, चलो आज का गुड नाइट बोलो चलो। तो फ्रेंड्स अभी आज के लिए बस इतना ही, हम लोग बस सोने ही जा रहे हैं, मौसम में थोड़ी ज़्यादा ठंडक है। और आज हमारे साथ हुआ ऐसा कि हम लोगों ने अपना बालकनी का डोर शाम को खुला छोड़ दिया था, मैं और सुविधि मार्केट चले गए थे और वो डोर ओपन रह गया था, उसकी वजह से पूरे घर में मच्छर 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 एक्सेस में सब जगह भर गए हैं। मतलब हम जहाँ भी बैठ रहे हैं हम वहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ मच्छर ही मार रहे हैं, लिटरली हम लोग यही कर रहे हैं, तो बस हर जगह यही चल रहा है। और आई थिंक इसकी वजह से आज रात का सोना भी बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा हैं हम लोगों के एरिया में, और
डोर ही ओपन रह गया बालकनी का, तो ये तो बहुत ही बड़ा इशू हो चुका है हम लोगों के लिए। बट एनी हाउ मारने तो पड़ेंगे, नहीं मारेंगे तो रात को सोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा है फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। देखो मेरा एक बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है जो पता नहीं क्या उसको कोई सी टूथपिक्स या कोई सी स्टिक्स मिल गई है जो वो खा रहा है, और एक बच्चा मेरा यहाँ बैठा हुआ है जो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, अब हम सोने जा रहे हैं, हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपने घरों में रहिए, ब्लैंकेट में रहिए, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठंड से बच के रहिए और ठंड को पूरा एंजॉय कीजिए। तो हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।